हाँ तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई सीएस को जैसा है कि इसके एम्प्लॉय में पूरा वॉइस ओवर करने वाला हूँ, एंड वॉइस ओवर ऐसा कुछ होने वाला है कि आपको बताऊंगा कि कैसे एक जो ना अच्छे प्लेयर के सामने खेला जाए। एंड मैं भी खेलता हूँ तो मैं भी हारता हूँ, लेकिन मुझे इससे पता लगा कि क्या क्या मैं गलतियाँ करता हूँ जो आगे आप लोग ना करें। 1v1 TDM में रखें। सो यार भाई मैं ये Virgo69 Virgo YT के साथ खेल रहा हूँ। ये भी एक यूट्यूबर है, आप उसका चैनल चेक कर सकते हैं, आप जाके देख लीजिएगा। वह एक आईपैड प्लेयर है और आईपैड प्लेयर के सामने आप खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इनकी ब्रांड ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरा पास है एंड्रॉइड 10 एंड्रॉइड एंड इसके पास है आईपैड, सो यस 9th जनरेशन। तो पहले हम थोड़ा फनी कमेंट्री कर देगा, आप लोग भी बोर ना हो तो लेट्स गो। हाँ तो जैसे कि अभी देख सकते हैं जामनी कपड़े और जो ना रेड बैकपैक और येलो। कमेंट्री ख़त्म होने से पहले हमने मार दिया भाई। हाँ तो जैसे कि मैं बता रहा था कि भाई जामनी कपड़े और येलो सूट और रेड बैकपैक के साथ आपका भाई आगे चढ़ रहा है और एनीवन का सीन चालू है साथ एम अगैन सस्टेनेबल को वाइट प्लेयर के साथ और उसके बाद सामने अच्छा सा प्रदर्शन चल रहा है। और यहाँ पर आप एक इन्फॉर्मेशन देते रहे कि हम उस बंदे को इतना गंदा ढूंढ रहे थे, हमें पता था कहीं से भी निकल गया था, मैं भी गोली मारेगा तो हमारा खात्मा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन हमारा भाई आपका भाई सबका भाई यहाँ मरते ही जा रहा है। बहुत ज़्यादा कम होप लग रही है कि वो जो इसके सामने टिक पाएगा, लेकिन देखता है कि क्या होता है। वो ये रेड पीक करने का फ़ायदा ये होता है कि कोई बंदा डैमेज हो जाए आप इजीली उसके ऊपर पुश 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 पा कर दो। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सूरत हाल नज़र आ रही है यहाँ पर, और ये डैमेज और ये डैमेज वो ये हो गया डेड। इसका फ़ायदा ये होता है कि उसका एम बिगाड़ो एंड मारो, दूसरों का एम बिगाड़ो एंड खुद मारो। सो ये स्ट्रेटजी होती है भाई अच्छे प्लेयर के सामने बीट करने की। सो यहाँ पर अभी वेट इसलिए चल रहा है कि हील वील अगर फुल हो गई तो अच्छे से फाइट हो पाएगी। उस बंदे को ढूंढते वो लेफ्ट से डैमेज देगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा गोली कहाँ से लगी, लेकिन आपको लग जाएगी। लेकिन आपको टेंशन नहीं रहेगी, आप थोड़ा जिगल विगल करो, लेकिन अगले के मोमेंट के साथ साथ एम बिगड़ता है। सो एम पहले मोमेंट बाद में, आपका एम अगर अच्छा बन रहा है तब आप मोमेंट करो, अगर एम अगर अच्छा नहीं बन रहा तो आप मोमेंट ना करो। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन 2v1 प्लेयर्स फॉर ए TDM। ओके सो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मैं मार खाऊंगा क्योंकि बच्चा मैंने गलती की राइट देखा, लेकिन ये बंदा लेफ्ट से आ गया था। सो इसमें मेरी गलती नहीं थी, ये थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है। तो खैर अभी हम देख सकते हैं लेफ्ट पीक मैंने इसलिए कि भागता हुआ बंदा आएगा और हमें हमारे मुँह लग जाएगा, लेकिन उससे पहले हमने उसको टेक डाउन कर लिया क्योंकि मुझे पता था यार कि ये बंदा है ना थोड़ा सा कैंपिंग करेगा। थोड़ा सा देखभाल क्या है क्योंकि उसके पास आईपैड है, जब तक उसको बंदा दिखेगा नहीं चार्ज के दिल को शांति मिलेगी नहीं। सर मैंने भी थोड़ा वेट किया तब ये ओपन में निकला, तभी मैं मारा था। एंड यहाँ पर भाई मैं कसम से यहाँ पर मैं थोड़ा शॉप पे बैठा हुआ था, थोड़ा सा बिजी था, तो ये सीन था जानीस भैया। मैं थोड़ा वेट कर रहा कोई कब जो है ना मैं फारिग हूँ और इतने में आ जाएगा और मार देगा मैं। हाँ आ जा भाई मार ले। ओके भाई तो भाई अगले सीन में ये होता है कि मैं जो है ना रुक जाता हूँ तो बदला आपका, मैंने सोचा नहीं मारूँ लेकिन फिर टपली बजा देते हैं। और यहाँ पर मैं राइट पिक कर क्यों मार रहा था क्योंकि मुझे पता है 1v1 में ऐसे डायरेक्ट फाइट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी एक गोली लगनी है और मेरी जो है ना 3-4 भी लगनी है तो भी मैं सोनी है। सो मेरा यही डर था, लेकिन मैं थोड़ा सा देखभाल के जा रहा था जैसे कि वो नज़र आए मुझे वो फिर ही निकलूँ मैं, क्योंकि हाइब्रिड प्लेयर कैसे कहाँ से घुस रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये देखें यहाँ पर मैं फिर थोड़ा सा वेट करने बैठ गया तो ये अचानक से आ गए और फिर जो है ना फिर फाइट शुरू एंड मुझे ये फ्री किल लेके के दो। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और आगे देख सकते हैं इसने मुझे कितना गंदा पहला है, लेकिन आपके भाई का कम्बैक अभी आएगा तो इधर ही रहना यार, ऐसी कोई बात है ही नहीं ब्रो, ऐसी कोई बात है ही नहीं। वो तो यार ये मुझे बहुत गंदा डैमेज दे रहा था, मुझे डर लग रहा था कि यार ये मुझे थोड़ा सा हरा रहा दे, लेकिन हारा है आपका भाई इसमें। लेकिन नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा देखना, नेक्स्ट स्टेडियम भी है उसमें आप देखना मैंने क्या करा है। सो अभी तक के लिए इस एम्प्ले में आते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाते। तो इसको यहाँ पर मुझे 8v5 हो गया था, अब मैंने कहा अभी थोड़ी सी लीड देनी पड़ेगी और ये मैंने राइट मारा एंड देन मैं कोशिश कर रहा था कि आगे जा कर थोड़ा सा पुश करूँ, लेकिन पुश करते करते मैं डैमेज भी दूँ, डैमेज मैंने दे दिया, चलो पुश करने का टाइम आ गया, लेकिन अब राइट टाइम भी आ गया था, लेकिन मैंने पुश किया और इतने में इसके भाई ने कल्टी मार ली। सबसे बड़ी सी गलती थी, इसने सो गया ये, इसका एम अगर मेरे पे होता तो मेरे को इजीली ले सकता। तो भाई एम अपना सही रखो, बाकी मोमेंट वगैरह बाद में देखना, आप लोग मोमेंट देखते हो उस बंदा किधर भी जा रहा है।
सो ये देखो, इधर मैंने वही चीज़ करी, उस भाई का एम अच्छा हो गया था मेरे पे, तभी वो राइट की तरफ गया, तब भी मेरा उसका एम मेरे पे ही था। अगर वो राइट पे घूमता, राइट पे एम होता तो ये सबसे बड़ी इसकी गलती होती, लेकिन इसने गलती नहीं की, गलती मैंने की जो कि मैंने सामने की तरफ देखा, ये मेरी गलतियाँ थी। तो ये सारी जो ना गलतियाँ आप दोहराओ, मतलब कि देखो, जैसे कि मैं भी नोट कर रहा हूँ कि मेरी ये सारी गलतियाँ हैं, तो मैं भी इस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा, साथ साथ आप भी देख लें कि जो गलतियों से हम मर रहे हैं, जैसे कि मैं मर रहा हूँ, वो राइट पिक करके फ्री फायर दे रहा था, लेकिन मैं जो ना घुस ही जा रहा था उसके अंदर, तो ये सारी गलतियों से ना प्लेयर मरता है। तो ये नोटिस करते रहोगे देन बिकम अ प्रो, मैं भी प्रो बन जाऊँगा, आप लोग भी साथ साथ प्रो बन ही जाओगे यार, देख देख के। जैसे कि मैं देख रहे हो तो आपको मज़ा ही आ रहा होगा क्या किस तरह की मैं बातें करने लगा हूँ। सो टेंशन नहीं, आपका भाई जितना एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करेगा, बाकी आपके स्किल्स के ऊपर आप कितने प्रो हो। तो ये मैंने चीज़ आपको बताऊँ, हमेशा एम है ना, एम बंदे के जो ना फेज़ होता है ना, फेज़ हेड शॉट मारने, सुना है ना आपने, हेड मार रहा है करे, तो यही सीन आपको करने का लिए एम जो है ना, एम आपका रेड कलर का ऐसे कोई रखना है ताकि आपको ना आसानी हो सामने बंदे को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे कि मैं कर रहा हूँ रेड है तो मुझे ईजिली नज़र आ रहा है, तो अपने एम क्रॉसर देखो, क्रॉसर मेरा हमेशा बंदे के जहाँ बंदा आने वाला होता है ना वहीं पर होता है, बस सबको फायर दबाना है एंड बंदा आपके घुटनों के नीचे होगा। हर एक प्लेयर का नहीं कह सकता, कोई एम से निकल भी जाएगा, लेकिन आपको ट्राई करनी क्रॉसर पे हेड भी रखो कहीं भी हो। ये देखें मेरा एम, देखो क्रॉसर के उसके ऊपर था। अब अगला बंदा हाइब्रिड पे खेल रहा है, उसको पता है कि भाई अगर मैं किसको मज़े से मार सकता हूँ, लेकिन आपके भाई का एम बड़ा अच्छा था, तो इस वजह से आपके भाई ने थोड़ा सा चौक नहीं किया था दादा, मतलब इतनी गंदी लीड से नहीं मरूँगा, एक ही किल से जो है ना मैं मरूँगा इसमें, मतलब हारूँगा एक किल से, 10-10 हो गया ठीक है। आगे मैं गलतियाँ करूँगा कुछ, उसी वजह से मैं जो ना 1 HP भी होऊंगा। अब मेरी यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यह थी, मैंने फायर दे दिया एंड उसके बावजूद मैं यहाँ खड़ा रहा, अब मैं निकल के इसको डैमेज दे सकता, लेकिन मैंने मिस कर दिया ठीक है। अब मैं राइट पे गया, वो वहाँ से भागा, अब मेरा एम अच्छा होता था मैं मार देता, लेकिन मेरा एम अच्छा नहीं था क्योंकि मेरा एम असिस्ट भी ऑफ रहता ज़्यादातर, तो इस वजह से अभी इधर देखो उसने कितनी गंदी मूवमेंट दी मुझे, देख रहे हो। और सबसे अच्छी बात यह कि मोमेंट देने के बाद ये अंदर चला गया और मैं नहीं गया, तो ये मेरी गलती थी कि कभी भी अगला बंदा अंदर जाए कवर में, तो आपको अगर एम उस पर है तो जाओ, नहीं तो फिर आप भी कवर में जाओ। तो ये चीज़ मैंने देखो, यहाँ पर मैंने गलती की, मैंने कवर लिया, यह फ़ायदा मुझे हो गया और मैंने ईजीली जो है ना पीछे हट के जो ना ईज़िली बैकअप कर लिया मैंने। तो ये चीज़ आप लोगों को भी करने के, कभी ऐसा कोई मसला हो जाए तो आपको जो ना बैकअप ज़रूर लेना है, जो बैकअप लोगे तो इजी आपको डैमेज या आपको समझ आ जाएगा कि सिचुएशन के अचानक से बंदा आ जाता है, तो आपको यही करना है कि एम क्रॉसर हमेशा उस बंदे की रखना। अभी भी मिस करता था डैमेज दिया, लेकिन हमारा नहीं मिस्टेक जैसे ये थी कि मेरी बुलेट से सो लगी नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ मोमेंट करने का मकसद ये होता है कि बुलेट से बचा जाए, बुलेट स्ट्रेट आती हैं एंड आपको लेफ्ट राइट करने की वजह से आपकी बुलेट्स नहीं लग पाती है बंदे को ठीक है। जो मेरे भी इसी तरह मेरी मूवमेंट भी होती साथ साथ, तो मैं इसको मार देता क्योंकि मेरा एम अच्छा हो गया था उस पर। अब यहाँ देखो मेरा एम का है पर बिल्कुल, अब वो बंदा कितनी मूवमेंट कर रहा है लेकिन सारी गोलियाँ उनको ही लग रही है ठीक है। 117 का डैमेज है, ऑलमोस्ट 1 HP को छोड़ा। अब यहाँ पर मैं देखना आपका भाई ये लास्ट की कैसे निकालेगा, ये देखो आपका एम मेरा, देखो उस बंदे की, मेरे को पता यहाँ से अरे मैं एम सारा पूरा घुमा दूँगा इधर, ये देखो ईजी मर गया यार, उसने मूवमेंट नहीं की तो मज़े से मर गया। मूवमेंट करते थोड़ा सा इशू होता है, अगर मूवमेंट प्लेयर नहीं करो और आपका एम उस पर, तो किसी को भी इजीली मार सकते हो। दूसरी बात इसका आईपैड था, तो इस वजह से मैं इसको नहीं मार पा रहा था, सीधी बात है क्यों छोड़ पाले बंदा। और यहाँ भाई मेरे साथ ईजीली मर जाता, मेरे एम में भी था। ये है भाई दूसरा गेम प्ले, इस पर आप देखो यहाँ बस एक किल, और आप देखना आपका भाई कितने किल निकालता है इसके अंदर और सीन क्या होते हैं इस गेम के अंदर, ये चेक कर यहाँ बस। तो मुझे उसने कहा था भाई क्लोज जो है तो रोटेशन नहीं करो, कोई कम्पिटेटिव नहीं खेल रहा। मैंने कहा ओके भाई, अब मैं यहीं पर रहूँगा। सो मैं भी यहाँ पर खेलने लगा तो मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट देने लगा, तो मैं कोशिश किया भाई एम अभी जो है ना हेड पे रखूँ। जो मैंने मिस्टेक्स की थी लास्ट मैच में वो यही थी कि मैं एम जो है ना अच्छा नहीं होता था एंड मैं कवर के साथ नहीं खेल रहा था, लाइक सामने आ रहा था उसके। मैं अभी थोड़ा ट्राई किया कि एम पहले रखूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ना लेफ्ट राइट मूवमेंट के साथ ही खेलूँ, लेकिन मैं इसमें मेरी ना क्राउच नहीं हुआ, इस वजह से उसको बुलेट्स ज़्यादा नहीं लगी और उसका एम थोड़ा सा ऊपर रह चुका, तो मेरे हेड पे ज़्यादा बुलेट्स लग गई। सो एम अगर आपका अच्छा है, मूवमेंट अच्छी है अभी प्लस, तो आपको TDM में कोई भी इजीली बीट नहीं कर सकता। दूसरा आपकी स्ट्रेटेजी के एम पे बुलेट हेड शॉट मार मार के उसको डैमेज कर देना। अब मैं इसको डैमेज कर दिया, मुझे पता है वो लो है एंड मैं इसको पुश करूँगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं,
बैकअप ले लेके, ठीक है। अब मैंने लास्ट उसको मोमेंट की तरह क्यों शुरू की, मुझे पता था ये लो एन एच पी है, लो एन एच पी पे स्क्रीन सही से दिखती नहीं है। तो आपको लो एन एच पी करने के बाद आप मोमेंट जितनी भी करो, अगले बंदे को एक भी बुलेट आपको इजीली नहीं मार पाएगा, क्योंकि एमिंग स्टार्ट के अंदर अच्छी होती है। जब लास्ट एच पी बची तब अगला बंदा जो डर के मारे जो ना अपना एम ख़राब कर देते हो। अभी वन एच पी भी हो तो एम आपको हमेशा ऊपर ही रखना है, तो ईजिली आप मार सकते हो। देखो अब मैं सामने कैसे मार रहा हूँ, आप लोग ये गौर करो, बस मेरा एम देखो, एम हमेशा हमेशा ना उसके ऊपर। अब मैं देख रहा हूँ इसलिए उससे मेरा एम ख़राब है, ठीक है। जब पुश करूँगा तब एम उसके जहाँ से वो आने वाला होगा वहाँ पर मेरा एम पहले से होगा। ये देखो, ये देखो, यहाँ मेरे को मोमेंट देनी पड़ी क्योंकि वो बंदा डायरेक्टली मेरे मुंह पे आ गया था। अगर मैं जो नहीं करता तो वो एम से लेके जाता। अभी देखो ये इतना बंदा फास्ट था कि पीछे से भागने भी नहीं देता था, निकलते साथ मुझे दो रहा था। तो ऐसे के सामने भाई इजी नहीं होता खेलना। तो ये देखो अब मेरे को मोमेंट करनी पड़ी क्योंकि मुझे पता था लास्ट में मैं सीधा मार रहा था वो मुझे मार रहा था, इसलिए जो मैंने गलती की मुझे नहीं करनी थी, तो मैंने अब वही सेम चीज़ की। अब मेरी एच पी देखो, यहाँ पर एच पी कितनी लो थी, ठीक है, उसके बावजूद मैं मार दिया उसको। तो ये सीन होता भाई सारा, एम आपका सही रहे, मोमेंट प्लस आगे अच्छी हो तो भाई मार सकते हो। ये देखो अब उसने डैमेज दिया एंड मैं फिर मोमेंट करते हुए आगे गया। मैंने बिल्कुल भी फायर नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पता था सामने आएगा ही आएगा। तो अब तक तो भाई ये सारा इसको मैंने किल किया एंड इसके बाद भाई आप लोग देखें क्या किया इसने, ये पूरा मैच इसने मुझे भगाया सिर्फ और सिर्फ। अब मैं लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ ये चुप रहा था बार बार, क्योंकि आईपैड था भाई इसको सब कुछ दिख रहा था। अब ये मेरे को तंग करने लग गया यार, कसम से गजब बेइज्जती है भाई। इसको मैंने इतना ढूंढा गई, इतना ढूंढा, मैं देखो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करने लगा हूँ कि मैं ढूंढ ढूंढ के इसको थक गया था। लाइक छुपे ही जा रहा था, भागे जा रहा था, भागे जा रहा था। अब मुझे समझ नहीं आया इसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो ये चाहता नहीं था शायद मैं इतने लीड के साथ मार रहा हूँ ये वो, लेकिन भाई प्लेयर अच्छा था, लाइक मैंने खेला है, कभी कभी मेरा दिन था कभी इनका दिन होता है, तो ये चीज़ होती है भाई। जो मैं हारता हूँ मैं टीडीएम नहीं डालता, अब अगर मैं जीत रहा हूँ तो मैं डालूंगा ही। लेकिन ये भाई भी बहुत अच्छा प्लेयर है भाई, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है इसके लिए भी। हर एक अच्छा प्लेयर अच्छा होता है, लेकिन जो है ना वो एक उसके ऊपर होती है, गेम के ऊपर होती है कि कभी वो अच्छा खेले कभी ये अच्छा खेले, इसकी स्किल्स ऐसी हैं वैसी हैं, तो ये बीट करने की बात होती है सारी, बाकी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होती। तो ढूंढने के बाद मुझे एक किल मिलता है, वो देखो कैसे ये पूरा रूम इसी तरह ही वेस्ट होता है। ये भागते रहते हैं, हम लोग अपने पीछे भागते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ये चुपते ही रहते हैं। सो ये पूरा गेम प्ले इसी तरह से निकल जाता है। तो मेरे जो स्टार्टिंग में लीड निकली थी वही मेरे मैच थी, सेकंड मैच हार चुका था। ऑफकोर्स ये मैच जीतने में काउंट, आई होप आप लोग के नज़र में। सो यार आपको ये वॉइस ओवर वाली गेम प्ले कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर इसी तरह की वॉइस ओवर करूँ मैं फ्यूचर में तो मुझे ये भी लाजमी सजेशन करना। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप सच्चे लवर हैं मेरी वीडियोस के, एंड अगर आपको ऐसी तरह की वीडियो चाहिए मुझे लाजमी बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। मेरे गेम प्ले बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, 1v3 M24 का भी पड़ा हुआ, तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट में क्या आप लोगों को ये कैसी गेम प्ले अच्छी लगती हैं, तो मुझे ज़रूर बताना। मैं और भी इंशाल्लाह फ्यूचर में लाऊंगा, एंड कौन कौन सी गेम प्ले आपको चाहिए इन द फ्यूचर मुझे लाजमी बताना। एक लाइव स्ट्रीम का ये इशू है कि मेरा नेट थोड़ा नहीं चल रहा, नेट का इशू जैसे सॉल्व होगा मैं लाइव स्ट्रीम पे भी आ जाऊँगा, एंड इंशाल्लाह अगर दूसरा मोबाइल मेरा आ गया तो मैं लाइव स्ट्रीम फेस कैम के साथ किया करूँगा। सो अभी तक इससे गुजारा करो, एंड मुझे बताओ कि आप लोगों को मीम्स वाली गेम ज़्यादा अच्छी लगती हैं या आपको नॉर्मल गेम ज़्यादा अच्छी लगती हैं, या आपको वॉइस ओवर वाली अच्छी लगती है या आपको वॉइस ओवर प्लस मीम्स वाली अच्छी लगती है, तो मुझे लाजमी बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। एंड फाइनली मुझे थोड़ा आखिरी में दिखा, लेकिन मैंने कहा मैं भी थोड़ा ट्रोल कर रहा हूँ AWM के साथ, मुझे देख रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको तंग कर रहा था। अब देख लास्ट के सेकेंड ये भागते रहते, ये देखें इनके काम, ये देखो यार पता नहीं ये तो क्यों किया है इसने भाई। अगर मेरे को भाई आप देख रहे हो तो यार लास्ट में कमेंट करना आपने ये मुझे ट्रोल क्यों किया था। बाकी यार लव हो गया भाई, थैंक यू ब्रो आपने मेरे साथ खेला। एंड अगर स्क्रिप्ट TDM होता तो मैं शायद इनको बोलता कि भाई मुझे मारो थोड़ा सा, ताकि बंदों को पता नहीं लगे। अब ये स्क्रिप्ट मैंने किया ही नहीं था, ना स्क्रिप्ट में इन द फ्यूचर करूँगा। सो यार जो है वो है, अगर मैं हार गया तो नहीं अपलोड करूँगा, जीत गया तो अपलोड करूँगा। बाकी लव यू हो गया, बाय बाय।